नमस्कार, आप अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आने वाली 25 मार्च यानी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे, तो वहीं उनके साथ कई मंत्री भी शपथ करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद देने के लिए ब्रज के संत महात्मा भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद 37 साल बाद प्रदेश में किसी एक दल की सरकार की लगातार दूसरी बार ताजपोशी होगी। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक अमित शाह के साथ ही सह पर्यवेक्षक रघुवर दास लखनऊ पहुंचे। भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक के बाद शाह के साथ रघुवर दास लोकभवन पहुंचे। लोकभवन में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोकभवन में सुरेश कुमार खन्ना ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता बनने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद सभी विधायकों ने अपनी सहमति जताई। योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लोकभवन से राजभवन गए और राज्यपाल को विधायकों की सूची सौंपते हुए सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का मंत्रिमंडल कैसा होगा। तो वहीं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के समर्थकों में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने चुनाव में 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें से वो अपने सिंबल पर 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है, जबकि 5 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब रहे। वहीं अब संजय निषाद ने भी कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल गठन को लेकर लगातार दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। इसमें तमाम उनके सहयोगी दल, चाहे अपना दल हो या निषाद पार्टी हो, इनके भी दफ्तर में लगातार सरगर्मियां और सुबगाटें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल मैं निषाद पार्टी के पार्टी कार्यालय पर खड़ी हूँ। यहाँ पे जो हलचल है वो भी तेज है। क्या निषाद पार्टी के भी कोई सहयोगी इसमें मंत्रिमंडल में स्थान पा पाए, क्योंकि लगातार संजय निषाद का नाम चल रहा है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो जमीनी समर्थक हैं, उनके अंदर इसको लेकर क्या उत्साह है, उनसे ही हम खास बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू जी, आज कल शपथ ग्रहण होनी है, आज बड़ी बैठक चल रही है, क्या लगता है आपकी ओर, आपकी पार्टी से किसको कैबिनेट मंत्री में दर्जा मिलेगा? ये संजय डॉक्टर निषाद को। कैसे, आपको भरोसा है? पूरा पूरा फुल भरोसा है। उत्तर प्रदेश कितने हमारे कस्से समाज के लोग हैं, सबको भरोसा है। वो तो कह रहे हैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। क्लियर हो गया सब मिलेगा, ये तो अफवाहें हैं। ऐसी अफवाहें जी? इतना जोश, जोश है, फुल जोश है, मेरी समाज के लोगों में फुल जोश है। कुछ और समर्थक, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ के रहने वाले आप? जिला कन्नौज के। क्या नाम है? बबलू बाथम प्रधान। बबलू जी, क्या लग रहा है? लग तो ठीक रहा है, वैसे सब लोग हमारे जो भी निषाद पार्टी के हैं, कस्से समाज के हैं, तो हर तरीके से जोश में हुए हैं। देखो, कैबिनेट मंत्री में पद मिलेगा और 100% मिलेगा। ये थे उनके निषाद समाज के पार्टी के जो समर्थक है डॉक्टर संजय निषाद। इनके अंदर साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जोश कितना
हाई है। वो चाहे निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, इन पार्टियों के भी जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, जो पार्टी के नेतृत्व करते हैं, उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री में जगह मिलने की दिलासा दी गई है, तसल्ली भी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर और परिणाम के आधार पर इनके प्रभाव को, क्योंकि लगातार निषाद पार्टी का कहना रहता है कि हमारे 170 सीटों पर निषाद, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश करेगी। फिलहाल 25 मार्च को तस्वीर तो साफ हो जाएगी, लेकिन निषाद पार्टी में जो हलचल देखने को मिल रही है वो साफ तौर से यही बता रहा है कि कुछ तो खबर मिल चुकी है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी लखनऊ। वहीं बलिया से विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को हराकर जीत हासिल की। तो वहीं केतकी सिंह ने योगी मंत्रिमंडल को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की, सुनिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बलिया से केतकी सिंह जी हैं, जो कि बलिया से विधायक हैं। कल की किस तरीके की तैयारियां हैं, कल शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, कल बहुत बड़ा दिन है हम समस्त कार्यकर्ताओं के लिए, और भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल के सहयोग से हम लोग ने उत्तर प्रदेश में वापसी की है। तो मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को दोबारा अवसर दिया, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कल के कार्यक्रम को लेकर कि अपनी आंखों से माननीय योगी जी को दोबारा हम लोग शपथ लेते हुए देखेंगे। तो हम समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है कल। राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष, आपने उनको हाथ जीत किए, वहां से किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिलेगी? देखिए, ये मुझे बहुत गौरव लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता को मैंने हराया है समाजवादी पार्टी के, और लगातार 8 बार से वो 9 बार से वो विधायक और मंत्री भी रहे थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, और अब उनके हटने की वजह से स्वयं अखिलेश यादव जी को उनका पद लेना पड़ रहा है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को पार्टी ने ये अवसर दिया, और इसमें मेरा बहुत कोई अहम रोल नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का एक मैजिक चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, नहीं पूरे भारत में, और भारत ही नहीं, अब तो मैं कह सकती हूँ कि मोदी जी का मैजिक तो पूरे विश्व में चल रहा है। तो उसी मैजिक का असर था कि हम जैसे लोगों का भी विधायक बन गए। मंत्रिमंडल को लेकर कई सारा सस्पेंस बना हुआ है, कौन कौन लोग कल मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, क्या कुछ क्लियर करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस पर्दे से मैं रहस्य से पर्दा उठा देती हूँ कि कल की कैबिनेट जो है वो कमल के फूल की कैबिनेट होगी। जो बैठेगा, जिस भी कुर्सी पे बैठेगा, जिस भी डिपार्टमेंट का वो मंत्री बनेगा, वो कमल का फूल ही रहेगा। तो ये काफी है, बाकी नाम बदलते रहते हैं, पर सिंबल तो एक ही है ना, कमल का फूल, वही हर जगह लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ मौजूद थे बलिया से केतकी सिंह, जो कि नेता राम गोविंद चौबीन को हार देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में विधायक हुई है, और कल की जो शपथ ग्रहण की तैयारी हो लगभग पूरी कर ली गई। लखनऊ से जनता टीवी अभिनव। तो कल से एक नाम बड़ा चर्चा का विषय बना रहा, वो था अक्षय प्रताप सिंह का। प्रतापगढ़ में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में कुंडा से विधायक राजा भैया के करीबी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को बुधवार को 7 साल की सजा सुना दी गई। वहीं आज उनको मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। सजा सुनाए जाने के दूसरे ही दिन निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह जमानत मिलते हुए देर शाम उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सजा के खिलाफ उन्होंने जिला सत्र न्यायालय में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे संतोष कुमार ने 2 लाख के पर्सनल बॉन्ड और 2-2 लाख के जमानतदार दाखिल करने पर अक्षय की जमानत मंजूर कर ली। उन्होंने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के आदेश की अपील अवधि तक के लिए स्थगित कर दी है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। एमएलसी चुनाव के लिए नाम वापस लेने वाले दिन यानी कि आज वाराणसी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। निवर्तमान एमएलसी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जबकि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में डटी हुई है। तो वहीं जहां एक और विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 273 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद सत्ता पर काबिज होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 36 सीटों पर होने वाली एमएलसी चुनावों में भी सपा पर भारी पड़ती नजर फिलहाल आ रही है।
2022 के विधानसभा चुनाव में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है, वहीं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी MLC के 36 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी सपा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस वक्त हालांकि मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूं, यहां पे सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो MLC के 36 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पहले ही कब्जा कर लिया है, क्योंकि इन सीटों पर कई जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे वो अपना नामांकन वापस ले लिए हैं। अभी कल की अगर बात की जाए तो 4 ऐसे जिले हैं जहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया, इसमें से मिर्जापुर है, हरदोई और बदायूं की सीट पर भाजपा का अभी जीतना तय माना जा रहा है। हालांकि इन सीटों पर जो घोषणा है जीत का वो बृहस्पतिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो कुल मिलाकर यही देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 36 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सपा का सफाया करती नजर आ रही है। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोकदल को 8 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई। अब पार्टी के विधायक दल का चुनाव 26 मार्च को होने वाली विधायक दल की बैठक में होगा। पहले यह बैठक 21 मार्च को होनी थी, लेकिन अब ये बैठक 26 मार्च को होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित होने के बाद सभी पार्टियों में विधायक दलों की बैठकों का सिलसिला जारी है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का आज बैठक हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर RLD और समाजवादी पार्टी की भी 26 मार्च को दोपहर 12:30 बजे बैठक का समय तय है। हालांकि मैं इस वक्त RLD के प्रदेश कार्यालय पे हूँ। ये वो प्रदेश कार्यालय है जहाँ पे 5 साल में पहली बार जयंत चौधरी का इस कार्यालय पे, अपने उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर आगमन होगा, और यहीं पे अंदर वहाँ पे बैठक चलेगा जो उनके 8-9 निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ बैठक होगी, और उसमें विधायक दल के बैठक में अपना नेता चुना जाएगा कि अपना पक्ष विधानसभा में कौन नेता रखेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी वो विधायक दल का नेता चुने जाएंगे, क्योंकि दूसरी ओर जहां अखिलेश यादव को प्रमुखता के साथ आगे किया जा रहा है, तो वहीं जयंत चौधरी भी उसी रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि खास बात यह है कि 21 मार्च को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन 21 मार्च के बाद ये बैठक टल गई, क्योंकि बीच में 9 अप्रैल को जहां विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसकी वजह से माना जा रहा है कि ये बैठक का जो तारीख था उसको टाल दिया गया और 26 मार्च को ये तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन खास बात और गौर करने वाली बात यह है कि जिस तारीख को समाजवादी पार्टी का 26 मार्च को बैठक होना है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल का भी यहीं पर बैठक होना है। यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी है जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, और भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल बगल में अंबेडकर नगर में अकबरपुर नगर के एक होटल में सेक्स रैकेट चलने की खबर पर SDM और अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने होटल में 10 युवक और 8 युवतियों को पकड़ लिया है। होटल की संचालिका को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी के विरुद्ध अनैतिक क्रियाकलाप अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए जमानत दे दी गई। इस बीच प्रशासन ने होटल के कागजात आदि को जांच शुरू कर दी है। होटल दोबारा संचालित न हो पाए इसके लिए भी प्रशासन ने तमाम तरह के जरूरी इंतजाम किए हैं। कोसी कला में गायों से अटूट प्रेम करने वाले साधु, गाय चोरी होने पर प्रशासन आश्वासन के बाद भी गाय बरामद न होने पर पिछले 3 दिनों से अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गाय चोरी के मामले में 2 समुदायों के लोगों में तनाव भी बन गया है। लोगों ने पंचायत के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आने वाले हरियाणा के मेवात और यूपी के गांव कामर के करीब स्थित गांव मंडोरा के पंचवीर आश्रम में रह रहे बाबा जगदेव दास गायों से अटूट प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने आश्रम में कई गायें पाल रखी हैं, जिसमें दुधारू सुरभि गाय भी मौजूद थे, जिसे मेवात के कुछ लोग 20 मार्च की रात बछिया सहित चुरा कर ले गए। साधु की सूचना पर पुलिस ने गाय को जल्द बरामद करने का आश्वासन दिया है। रात के गाय चोरी हो गई, अब हमारे यहाँ से तो मुसलमान ही करते हैं चोरी। ये पड़ोस लगा हुआ है, अब इसी में चली गई है। 3 गैया पहले चली गई थी 2 साल पहले जी, और अब के फिर हुआ है बात जी। बोलो बोलो। अब हम पानी नहीं खा रहे हैं जब तक गाय नहीं आएंगी हमारी।
उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली कैबिनेट बैठक आज हुई। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर के भी फैसला हुआ। बताया जा रहा है कि सिविल कोड को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसके बाद जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की होने वाली पहली कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना रहा कि आज होने वाली इस बैठक में सरकार की जो भी प्राथमिकता है उन्हें पूरा करने का काम किया जाएगा। नई कैबिनेट को लेकर क्या कुछ तैयारी रहेगी इस बार? देखिए, सारे लोग मिलेंगे, मिलने के बाद जो भी आज सरकार की प्राथमिकताएं होंगी आपको मालूम हो जाएंगी। सर, महिला स्पीकर बनाई जा रही हैं, सर किस तरीके से देख रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने का? निश्चित रूप से भारत की लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर बनाई थी और पढ़ी लिखी लड़की है और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार से भी और ब्यूरोक्रेटिक। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री बनने वाले विधायकों से मिलेंगे सीएम योगी कल सुबह 10 बजे। सीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। मंत्री बनने वाले नेताओं से सीएम योगी की मुलाकात होगी 5 कालिदास मार्ग पर कल सुबह 10 बजे। मीटिंग की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से मंत्री बनने वाले तमाम नेताओं से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। आपको बता दें कि आज विधायक दल का नेता सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है और कल 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात तमाम उन लोगों से होगी जो मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। और यह समय सुनिश्चित हुआ है, सुबह 10 बजे का। मंत्री बनने वाले नेताओं से मिलेंगे सीएम योगी और ये मुलाकात होगी 5 कालिदास मार्ग पर कल सुबह 10 बजे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।